आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सागर संभाग कर्मचारी भविष्य निधि के रीजनल कमिश्नर रविवार की रात अपने ही घर में 5 लाख रुपयों की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। रीजनल कमिश्नर ने बीडी शर्म पर कार्य करने का दबाव और रिपोर्ट सही ढंग से तैयार करने के एवज में 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत मांगी थी। मामले में फर्म की ओर से फरियादी अनिरुद्ध द्वारा दी गई शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने रीजनल कमिश्नर को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रगे हाथ पकड़ लिया है। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की जबलपुर व सागर इकाई की टीम ने संयुक्त रूप से की है। बताया गया है कि रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार ने फरियादी को रिश्वत की रकम लेकर अपने घर पर बुलाया था और फरियादी ने जैसे ही रिश्वत की रकम हाथ में दी तभी लोकायुक्त ने रगे हाथ पकड़ लिया। बताया गया कि रीजनल कमिश्नर ने बीडी फर्म यानी बीआर एंड कंपनी का सर्वे कराया था, जिसकी रिपोर्ट सही बनाने और पेनाल्टी की राशि को लेकर रिश्वत का दबाव बनाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक फर्म के संचालक अनुरुद्ध ने 3 जून को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के रीजनल कमिश्नर सतीश कुमार फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाकर और फर्म की रिपोर्ट सही ढंग से बनाए जाने के एवज में 10 लाख की मांग कर रहे हैं। शिकायती आवेदन की जांच कराए जाने पर शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से 5 जून रविवार की रात ईओडब्ल्यू की टीम ने रीजनल कमिश्नर को उन्हीं के आवास में रिश्वत की पहली किस्त 5 लाख लेते रगे हाथ पकड़ लिया। मामले में सतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। कार्रवाई में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सागर इकाई के साथ साथ जबलपुर इकाई के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई में शिकायत दी गई थी कि ईपीएफओ के जो रीजनल कमिश्नर है उनके द्वारा इनसे अवैधानिक रूप से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन निरीक्षक कुमार नवलारे से कराया गया, जिसमें कल दिन की रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड करना और 2 किस्तों में 5-5 लाख रुपए की मांग को प्रमाणित होना पाया गया। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभी लगभग 8 बजे इनको इनके निवास स्थान से 5 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ा गया।